वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक स्नैक्स रेसिपी है, तो आप इसको बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़े लोग को भी बहुत पसंद आती है ये, और ये बहुत झटपटी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पोटैटो ले लिए हैं और उसको बॉयल कर लिया, उसको पील कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, इसमें थोड़ा लम्स ना रहें। फिर मैंने यहाँ पे क्या है, चाट मसाला यूज़ किया है, तो आप एक इसमें एक चम्मच चाट मसाला यूज़ करिए। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च यूज़ मत करिए, हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे इसको बनाना चाहते हैं, आप टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज ऐड किया है। तो आप इसमें प्याज ऐड कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाता है। फिर मैंने यहाँ पे स्वादानुसार नमक ऐड किया है, आप स्वादानुसार नमक ऐड कर दीजिए। और फिर मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स को थोड़ा सा चॉप करके उसमें ऐड कर दिया है। अभी आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसको। आप मिक्सर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ब्रेड लेंगे, ब्रेड के स्लाइस पे हरी चटनी एक तरफ लगा देंगे, स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद जो कैचअप है, आप कैचअप ले सकते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी लेयर पे यानी दूसरी ब्रेड पे आप स्प्रेड कर दीजिए। और जो आपने यहाँ पे जो आलू का जो मेस बनाया है, आलू की स्टफिंग जो है, ये क्या करिए, इसमें स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, एक लेयर बना दीजिए। और आप इसमें अगर टमाटो भी यूज़ करना चाहते हैं, या फिर क्यूकम्बर खीरा यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो भी लेयर में लगा सकते हैं। फिर इसको दूसरे ब्रेड को उसके ऊपर रख दीजिए, और उसको बीच से कट कर दीजिए ट्रायंगल में। उसी हिसाब से मैं दूसरा एक बना के दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही करना है कि ग्रीन चटनी लेना है और उसको स्प्रेड करना है, और रेड चटनी लेना है वो दूसरे पे स्प्रेड करना है, फिर आलू का जो चोखा है वो कर देना है स्प्रेड, फिर जो दूसरा ब्रेड है उस पे रख देना है, फिर आपको फिर से कट कर देना है। ये बनके हमारा तैयार हो गया है आप, और इसको अब हम एक तवे पे सेंक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बटर लिया है, अगर आप ज़्यादा बटर प्रेफर करते हैं तो आप जो है इस पे ही जो ऊपर की साइड एक बटर की लेयर लगा सकते हैं और फिर सेक सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बटर लगा के उसको सेक रही हूँ। ये आप टोस्टर में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे तवे पे बना रही हूँ, ये तवे पे भी बहुत इजीली वे में बन जाता है, ग्रिलर में भी बना सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।